रोग से बचने के लिए अपोलो अस्पताल की तरफ से जन जागृति अभियान। जहां पूरे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज देश में सबसे घातक और बड़ी बीमारी जानी जाने वाली कैंसर, जिसे सुनते ही लोगों में एक डर पैदा हो जाता है कि अब उस इंसान का बच पाना मुश्किल है। वहीं पूरे देश में कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भारत में अस्पतालों की भी कमी है। जहां पूरे भारत में कैंसर के 15 लाख से भी अधिक मरीजों की संख्या बताई जाती है और इस भयानक बीमारी की वजह से अब तक 7 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस बीमारी की चपेट में कम से कम लोग आए एवं कैंसर के शुरुआती स्टेज में ही इस बीमारी को पकड़ लिया जाए, इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता पहुंचे, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी अपोलो अस्पताल की तरफ से विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। मैं हूं डॉक्टर संदीप देव, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, वो है मैक्सिमम पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसको कंट्रोल करना या क्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा यही प्लान है कि अगर हम कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है अवेयरनेस, कैंसर के बारे में लोगों को और जानकारी देना, जो हम या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कुछ कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सर्विस कैंसर बोलते हैं, जो गर्भाशय के नीचे वाला पार्ट होता है, उसके लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। अगर तो वो काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे लाइफ स्टाइल, हम ग्रेजुअली जितना टाइम हो रहा है, हम जब जितना मॉडर्न हो रहे हैं, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनका फूड पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ज़्यादा फैट वाला खाना, बर्न फूड खाते हैं, तो ये डेफिनेटली अवॉइडेबल है। नंबर टू, इंडिया में मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं, दैट इज़ इन मेल्स हेड एंड नेक कैंसर। एंड अब सबको मालूम है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है टोबैको, तम्बाकू, स्मोकिंग एज वेल एज स्मोकलेस, जो तम्बाकू चबाते हैं। तो टोबैको डेफिनेटली बंद करना होगा गवर्नमेंट गाइडलाइंस या अवेयरनेस के थ्रू। अल्कोहल एक आदत है जो काफ़ी कैंसर्स कॉज करते हैं, हेड एंड नेक के करते हैं, फूड पाइप के लिए करते हैं, तो वो हमें बंद करना है, नंबर टू। एंड काफ़ी सारे कैंसर्स हम रिलेटेड टू ओबेसिटी होते हैं, मोटापा, तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं एंड प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग के थ्रू एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू अगर हम कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स कैन बी क्योरेबल। टुडेज जस वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उस मौके पर जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी परफॉर्म किया, थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मेरा जो डांस का डांस के साथ कैसे बेनिफिशियल है कैंसर और एनी बेनिफिट फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड, हाथ पाँव हम हिलाते हैं उसके साथ जब म्यूजिक ऐड कर देते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है, मूविंग योर हैंड एंड मूविंग योर एंटायर बॉडी एंड द म्यूजिक, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स द बॉडी विद माइंड एंड जो हैप्पीनेस वाला फील होता है, दैट्स बेनिफिशियल फॉर एनी थिंग। और कैंसर के साथ मैं क्यों जुड़ी, बिकॉज एक मैंने मेरे क्लास के थ्रू एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड द रीच आउट प्रोग्राम ऑफ स्प्रेडिंग लव। उसमें बिकॉज आई हैव सीन कैंसर इन माय फैमिली, सो आई नो हाउ इट इज़ एंड हाउ द पेशेंट दे गो थ्रू।
सो एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस कि एवरी फ्रिक्वेंटली वी शुड डू समथिंग. तो उसके लिए मैंने मेरे डांस क्लासेस के साथ एक लिंक कर दिया कि एवरी मंथ विल डू समथिंग परफॉर्मेंस या फिर एनीथिंग बर्थडे सेलिब्रेशंस. लास्ट 3-4 ईयर्स से आई एम इन कनेक्टेड विद सेंट जूड्स, देन एट्रेक, फिर यहाँ मंगलम फाउंडेशन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहू हियर हु इनवाइटेड अस. एंड यहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी हैं, माय मॉम इज देयर, शी इज अ केयर गिवर बिकॉज माय डैड इज अ कैंसर पेशेंट. सो आईड लाइक टू कॉल हर फॉर अ व्हाइल. मैं भार्गव है और पिछले 3 साल से मैं अपोलो हॉस्पिटल में सारथी प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ. और जो हम लोग काम करते हैं यहाँ वो पेशेंट्स को योग के सहारे से जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. एक तो दर्द से भी परेशान होते हैं, दूसरा इनसिक्योरिटी बहुत होती है, अनिश्चितता होती है, सहन करते करते बहुत परेशानी की स्थिति होती है. तो योग से कैसे उनको एक तो उस लाइफ को सेटल करने में मदद मिल सके और थोड़ा 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 अपने बॉडी को रिवाइवल कैसे कर सके, मन को स्टेबल कैसे कर सके, ये सब हम लोग करते हैं. और इस प्रोग्राम में ना सिर्फ योगा बल्कि हम लोग डाइट, योग और साथ में उस जिंदगी में और अच्छा वो उस दिन को वन डे एट अ टाइम में कुछ बेहतर कैसे बना सके. और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो योग के बारे में मैं कैंसर पेशेंट्स से कहना चाहती हूँ वो ये कि 2 चीज़ें हैं एक्चुअली, एक नहीं, ये कि अगर आप सोचते हैं कि योग आपने देखा और वो आपसे नहीं होगा, वो सब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है. योग का थेरेपी कब काम करता है, जब आप अपनी क्षमता से थोड़ा सा कम होके करें, हर दिन उस क्षमता को अंडरस्टैंड करते सकें. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी एंड देन बिल्ड अप द बेस ऑन दैट. दूसरे को किसी को देखना ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है. आप अगर अपने आप को उस बेस लेवल से ऊपर 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 करते जाएंगे, द थिंग विल बी दैट यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ. वो ज़रूर होगा, बस बाकी सबको छोड़ के अंदर होके अपना स्टेबल होके जितना आपसे होता है उतना मूव कीजिए अपने आप को और विश्वास के साथ कि ये आज है, कल स्थिति बेहतर भी हो सकती है, उस विश्वास के साथ. आई बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेशेंट और मुझे यहाँ पे सब स्टाफ अच्छे, मतलब इवन द नर्स, फ्रॉम नर्स से लेके डॉक्टर तक एवरीबडी इज़ वेरी कर्टियस और उनको याद भी रहता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम ये लोग इतने लोगों से मिलते हैं, हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी ऐसे पेशेंट जब बन के आते हैं, कभी कभी अपने नाम से वो बुलाते हैं, वो जानते हैं हमारा प्रॉब्लम बेसिकली क्या है. एंड इट इज़ ईच वन इज़ टेकन केयर लाइक अ फैमिली. वो बहुत बहुत ज़रूरी है जब आप पेशेंट हो कि हॉस्पिटल में आते हो, स्पेशली वेन देर इज़ कैंसर. जो है सब कुछ इंटरनल होता है, बाहर कुछ दिखता नहीं है. उसके बीच में वो जब पहचानते हैं, वो अपने जानते हैं कि अपना प्रॉब्लम क्या है और उसके द्वारा वो वेन दे डू एंड दिस सारथी प्रोग्राम, आई फील बहुत ही अच्छा है. क्योंकि सारे पेशेंट को मेडिकल एडवाइस देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अनऑफिशियली उनसे कनेक्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए दिस सारथी इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई रियली अप्रिशिएट अपोलो का ये सारथी का प्रोग्राम, विच इज़ मतलब मेरा हार्ट प्रोग्राम है. मैं हर प्रोग्राम में आती हूँ एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोग्राम. थैंक यू मैडम.